आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो है तो इंजीनियर लेकिन वो मार्केट में सब्जियां बेच रही हैं। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के मार्केट में सब्जी बेच रही उर्वशी की। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्या मजबूरी हुई कि उर्वशी इंजीनियर होने के बाद सब्जी बेच रही है। तो सुनिए, उर्वशी किसी मजबूरी में सब्जी नहीं बेच रही है बल्कि ये कुछ अलग ही कर रही हैं। उर्वशी की कहानी युवाओं और किसानों को प्रेरणा दे सकती हैं। उर्वशी एक किसान की बेटी हैं। उर्वशी के पिता राजकुमार आर्य प्राकृतिक खेती करते हैं, मतलब ये कि अपने खेतों में किसी भी तरह का रासायनिक खाद या केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डालते। राजकुमार आर्य ने अपनी मेहनत से प्राकृतिक खेती में अच्छा उत्पादन लिया, लेकिन समस्या ये थी कि अपने उत्पादन बेचे कहाँ, मंडी में तो भाव मिलते नहीं। ऐसे में उर्वशी ने अपने पिता को राह दिखाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मेहरा गांव के रहने वाले राजकुमार आर्य ने बेटी के कहने पर अपने उत्पादों को खुद बेचना शुरू किया। इंजीनियरिंग करने के बाद उर्वशी ने नौकरी नहीं की बल्कि अपने पिता के साथ खेती के उत्पादों की मार्केटिंग शुरू की। राजकुमार आर्य सप्ताह में 2 दिन चंडीगढ़ में सुखना लेक के पास लगने वाली ऑर्गेनिक मंडी में सब्जी और दूसरे फल बेचने जाते हैं। उर्वशी भी अपने पिता की सहायता करती है, यहाँ इनके उत्पाद अच्छे रेट पर बिकते हैं। उर्वशी की कोशिश से अब राजकुमार आर्य के उत्पाद देश के कोने कोने में बिक रहे हैं। उर्वशी ने अपने पिता को अपने उत्पाद बेचने का हौसला दिया। इसी कारण आज राजकुमार आर्य अपने 7 एकड़ के खेत में लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज राजकुमार आर्य प्राकृतिक खेती करने वाले सफल किसानों में बड़ा नाम है। बहुत से किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं लेकिन उत्पादों के अच्छे रेट न मिलने के कारण हौसला नहीं जुटा पाते, लेकिन यहाँ उर्वशी ने साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति ठान ले तो वो अपनी मेहनत और लगन से वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।